मैं ऑडियंस गैलरी से चाहता हूं, जो आप कोई बात रखना चाहते हैं, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमें मिलकर के काम करना है या प्रद्युमन फाउंडेशन किस व्यक्ति का नहीं, आप सभी से आग्रह है कि आप तन मन धन से इस प्रद्युमन फाउंडेशन से जुड़े और देश के हर बच्चा को सुरक्षित करने के लिए आगे आए। कोई कुछ कहना चाहते हैं, आप माइक दें, आप हाथ उठा करके मुझे दें। हाँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा मेरा भतीजा या हमारा भाई वो स्कूल जाता था, उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, लेकिन उसका इनविजिलेंट कौन करता है? स्कूल। अगर हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो और कुछ गलत हो जाए तो क्या हम उसकी फुटेज रहने देंगे? उसमें नहीं रहने देंगे। अगर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अगर प्रद्युमन फाउंडेशन ही बनाया गया है तो उसका इन्विजिलेशन जो है वो कोई और करे? फॉर एन एग्जाम्पल, कस्टम में जहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट नहीं देखता है, उसे कोई और देखते हैं, कोई और अथॉरिटी देखती है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है हमारे स्कूल्स में भी, सो दैट कि एक स्कूल को भी डर रहे और बाकी लोगों को भी लगे ऐसा कि हाँ जी हमारे को कोई और देख रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम हो आपका? प्रदीप, प्रदीप कुमार ठाकुर। हाँ प्रदीप जी, मैं अग्रवाल साहब, ये हाँ हम ये जानना चाहते हैं सिर्फ उपाध्याय साहब से, उपाध्याय जी बताएंगे। कुछ स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल पर, जब आप प्ले वे में बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो ऐसे कुछ स्कूल्स इनिशिएटिव लिया है कि उनके भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी देखते हैं और मोबाइल पर आप भी चेक कर सकते हो। तो अगर ये मॉड्यूल बेसिकली जब ये हुआ था इसको लगाने का कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं या प्रिंसिपल हैं या जो टीचर्स हैं वो मॉनिटर करेंगे, लेकिन इस तरह के जब कोई हादसे होते हैं तो बिल्कुल सही बात हो, अपने आप को बचाएंगे। तो अगर उसमें जिस तरह से प्ले स्कूल में इस तरह की व्यवस्था होती है, आप कहते हो ना कि भाई मुझे अभी अचानक आप ऑफिस में बिजी हो, अचानक आपका मन किया मुझे देखना है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आप मोबाइल पर देखते हो, तो अगर ये मूवमेंट चलाना चाहें तो चल सकते हैं कि मुझे देखना है। लेकिन अब उसमें डिटेलिंग में बड़ा एग्जीक्यूशन में है कि मॉनिटरिंग कहाँ हुई, कहाँ पर आपका बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पर हादसा हुआ, थोड़ा टेक्निकल इशू है। अदरवाइज प्ले वे में जो छोटे दायरे में शुरू भी हुआ और आप चाहे तो और प्रेशर बना सकते हैं। मेरा नाम वैभव चतुर्वेदी है, मैं वरुण का फ्रेंड हूँ। मेरी इस विषय पर एक ही बात करनी है, एक मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लोकतंत्र की मैंने परिभाषा पढ़ी थी, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत आगे जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। छोटी छोटी डिमांड के लिए पेरेंट्स को, पब्लिक को कानून के पास जाना, कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चाहे सीबीआई की मांग की डिमांड हो, उसके लिए बहुत टाइम तक संघर्ष करना पड़ा तब वो डिसीजन हो पाया। इन सब चीज़ों में डिले नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी डिसाइड होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए। आपका प्रश्न किनसे है? मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, बस एक राय है मेरी। थैंक यू। हाँ, यस, एनीबॉडी एल्स? I'm Mariam. I'm coming from Hindustan Times. Okay. I had a question for the panelists actually. So we're talking about child safety here, and especially considering Pradhyumn's case, wherein the alleged murderer is also a minor himself, a school student. What can parents and teachers do to identify or, you know, to recognize any danger signs where we can actually intervene before something bad happens? आप क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे ऐसे हरकत ना करें और खुद के बच्चों को भी बचा सके कि ऐसे हादसों का विक्टिम्स ना बने? क्वेश्चन टू, एनीबॉडी ऑन द पैनल, अशोक सर और राज सर? ओके, बट वन क्वेश्चन, इज ही अ माइनर? दो अलिस्ट जो मैडम जी ने बात पूछी उन्होंने, तो अलिस्टली जो माइनर है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे और पेरेंट्स के अंदर जो क्लोजनेस है वो ही इसका आंसर है। और आप अगर उसको, मतलब कोई वो उसको डांट देते हैं, जैसे बच्चे को कोई वो बात बताता है आपको, किसी भी उम्र का बच्चा है, तो वो अगली बार हिम्मत नहीं करता है आपको बात बताने की। अगर आप उसको, मतलब बात सुनते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और एक दोस्त की तरह उनके साथ बिहेव करते हैं ना, मुझे लगता है कि उसको और कोई वो नहीं चाहिए। माँ बाप जो है ना वो उसके साथ क्लोजनेस रख के इस चीज़ को समझ सकते हैं, उसको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन वही है कि उसके ऊपर आप वो करेंगे, उसके कोई उसकी कमजोरी पकड़ ली और उसका आप उसको इस्तेमाल करने लगेंगे, उसको ब्लेम करने लगेंगे, उसको इंसल्ट करने लगेंगे, तो फिर वो डिफरेंट पर्सन बन जाएगा और आपके साथ दूरी रखेगा। तो मुझे लगता है ओनली एंड द ओनली वे इज क्लोजनेस
ओपन इंटरेक्शन है और उसको एक फ्रेंडली तरीके से उसको डील करना बच्चे को, चाहे वो कितना भी छोटा है. आज छोटा बच्चा वो छोटा नहीं रहा है, जिस तरीके से सिचुएशंस चेंज हुई हैं आज वो बहुत कुछ जो है चीज़ों को पकड़ता है और छोटे से छोटा बच्चा भी हर चीज़ जानना चाहता है. अगर आप उसको इग्नोर मारेंगे तो फिर वो कहीं और से जानने की कोशिश करेगा. तो मुझे लगता है बेस्ट एंड द बेस्ट कोर्स इज टू हैव द चाइल्ड वेरी क्लोज टू यू इन ऑल रिस्पेक्ट्स. यस मैम, यू राइटली रेज दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट? एंड व्हाट इज हैपनिंग, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट थिंग, वी ऑल इंस्टीट्यूशन हैव लाइक काउंसलिंग काउंसलर्स, राइट? अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, देखिए एक अचानक इसकी पॉजिटिविटी क्या आई. इस देखिए, हमने पहले भी बोला अपने स्पीच में कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, अशोक जी ने भी बोला, तो उसके पैरेलल एक पॉसिबिलिटी हमेशा खड़ी होती है. अभी क्या हुआ, जितने कर्मचारी हैं उनकी वो होनी शुरू हो गई, क्या कहते हैं उसको, वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ, बायो बैंक, पुलिस से कितने भी कर्मचारी हैं वो शुरू हुआ. देखिए, और पहले उस तरह से दे वर लीस्ट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग. अभी कुछ इंस्टीट्यूशन ये कर रहे हैं, जैसे ये पता चला कि अगर कोई ऐसा नोटोरियस बच्चा है या कुछ इस तरीके से, तो डिफरेंट काइंड ऑफ काउंसलर होते हैं कि उस पर नज़र रखने के लिए कि देखिए इसका बिहेवियर पैटर्न बहुत एग्रेसिव है, ये मम्मी पापा घर में जैसे भी सर ने कहा प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है बच्चा, ही इज़ वेरी इनसिक्योर, ही इज़ नॉट प्रॉपरली लाइक अ कंट्रोल्ड चाइल्ड. तो उस तरीके से काउंसलर के सेगमेंट बने कि कौन किसको हैंडल करेंगे क्लास वाइज. तो ये भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए और बहुत सारे लोग रखते हैं, तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन वहाँ मिल सकता है. ये एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जो एक स्टडी की है, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है, कि टीन एज में बच्चा अपने माता पिता को सबसे बड़ा दुश्मन समझता है. उसकी वजह ये है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं बीइंग पेरेंट्स, हम उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों में, बजाय इसके मेरा ये मानना है कि उसके फ्रेंड बनकर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उसको कई तरीके से, हो सकता है ड्रामा के तरीके से, कैरिकेच के तरीके से, म्यूज़िक के तरीके से, उसके माइंड को, माइंड में जो चीज़ें उसके चल रही हैं, कई डेंजरस चीज़ें भी हो सकती हैं, जो अभी एक घटना आई है कि भाई जो एक्यूज्ड है वो 16, 16.5 साल का है, तो कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी नर्चरिंग, उसकी नॉरिशिंग, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो बड़े साइंटिफिक तरीके से, फ्रेंडली तरीके से मदर और फादर के द्वारा करने की ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरत पड़े तो वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी करें, सोशोलॉजिकल इंटरवेंशन भी करें, ताकि वो जो टीनेज बच्चा है वो अपने माता पिता में कंफर्ट फील करे, कन्फाइड करे, और उनको दुश्मन समझने की बजाय उनको अपना सच्चा हमसफर और साथी समझे. इसके लिए एक संतुलन हमारी भी जिम्मेवारी है, उस संतुलन को बनाने की. सर, मैं सिर्फ एक सजेशन ही देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. माय प्रेजेंट एज इज 64 इयर्स एंड आई एम फ्रॉम रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक. पंजाब नेशनल बैंक में मैंने ज्वाइन करा था 1980 के अंदर, जबकि सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट बड़ा लथार्जिक कॉन्सेप्ट था. स्लोली स्लोली इतनी वारदातें होने लगी कि एक सिस्टम एंड प्रोसीजर बन गया, और आज की तारीख में लोकल पुलिस हर ब्रांच के अंदर जाके एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करती है, साइन करती है, एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर एक बनाते हैं. क्यों ना हम इस फाउंडेशन के थ्रू, कोर्ट के थ्रू ये चीज़ इंप्लीमेंट कराएं कि हर एक स्कूल के अंदर एक सिक्योरिटी ड्रिल होनी चाहिए बाय द लोकल पुलिस, कि साहब आपके कैमरे चल रहे हैं, आपके गार्ड एजुकेटेड हैं, आपके गार्ड का प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ है, आपके टॉयलेट्स के बाहर एक बंदा खड़ा है, छोटे से 4 साल के बच्चे के लिए टॉयलेट के आगे एक आदमी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है. क्यों नहीं खड़ा था उस दिन स्कूल के टॉयलेट के आगे एक बंदा? हर एक बच्चे को जिस वक्त वो अपनी टॉयलेट के लिए जाता है, निककर खोलनी नहीं आती. छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा, क्यों नहीं टॉयलेट के आगे एक मेजर आदमी खड़ा हुआ था? ये अगर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स थ्रू कोर्ट इम्प्लीमेंट होंगे तो शायद हमारे बच्चे सिक्योर्ड होंगे, नंबर वन. नंबर टू, हर एक स्कूल का रिवाज बन गया इंटरनेशनल लिखना. अरे भाई, इंटरनेशनल तुमने लिख तो दिया, क्या आप इंटरनेशनल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं? इंटरनेशनल वे में अगर आप चलेंगे, हर एक स्कूल के अंदर एक MI रूम है,
उसके स्कूल खुलने से पहले वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर है, वहाँ ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है, क्या आप वो मेंटेन कर रहे हैं? अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इंटरनेशनल वर्ड हटाइए। थर्ड, आप हॉस्पिटल लिखते हैं, हॉस्पिटल का क्या मतलब है? आजकल रिवाज बन गया है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप उसके अंदर जो सर्जन्स हैं वो अपने अपने केसेस को लेकर जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, लेकिन इमरजेंसी केसेस में वो चीज़ें नहीं मिलती उनको। बच्चे का जो हमने टीवी के अंदर देखा, वो टीचर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ से उसने ऑक्सीजन लगा दी और दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। एक 45 मिनट्स to 1 hour हैज बीन टोटली वेस्टेड। वो उस टीचर का जो उसके जो डॉक्टर का स्टेटमेंट है टीवी में जो हमने देखा कि साहब बच्चे में उसके जान थी, उसकी सांस चल रही थी। मैं कहता हूँ आप हॉस्पिटल थ्रू कोर्ट आप इम्प्लीमेंट करवाइए, हॉस्पिटल वही लिखे जो कि इमरजेंसी वाला जो बंदा वहाँ जाता आप उसको आगे नहीं भेजेंगे। आपके पास क्रिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, क्रिटिकल केयर ऑफिसर नहीं है, आप नर्सिंग होम लिखिए, आप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिखिए। व्हाई डू यू राइट हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का मतलब यह है कि कोई भी इमरजेंसी में चला गया बंदा आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दिस इज़ ओनली माई सजेशन, आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। ये मेन तो पर्पज़ ये है, बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। एक रिवाज बना हुआ है, आप इमरजेंसी के केसेस में आप पढ़ लीजिए, कितने भी एक्सीडेंटल केसेस में ट्रूमा सेंटर में चले जाओ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल अटेंड ही नहीं करता, आगे भेज देंगे, जी हमारे MRI ख़राब है, हमारा ये ख़राब है। अरे भाई अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, वाई डू यू राइट वर्ड हॉस्पिटल? आप लिखिए उसके अंदर नर्सिंग होम, आप लिखिए हेल्थ केयर सेंटर, वाई डू यू राइट हॉस्पिटल? इस टाइप के चीज़ें अगर इन टोटल इम्प्लीमेंट होंगी, आई थिंक दिस विल बी मैक्सिमम ट्रिब्यूट टू आवर डियर प्रद्युम्न। थैंक यू। एक बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, क्योंकि सारा जो हमारा फोकस है वो प्राइवेट स्कूल के ऊपर है, मतलब कहीं भी घूमा फिर रखे, तो एक बहुत बड़ी मतलब हम लोग ना कई बार सुपर स्ट्रक्चर में लड़ाई करते हैं, फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देते हैं। मुझे बहुत फंडामेंटल इशू ये है कि उस स्कूल को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग जो बॉडी है, मैनेजिंग कमेटी है, उसमें पेरेंट्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मे टेल यू, आज दिल्ली का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, बाहर तो वो भी नहीं है, दिल्ली के बाहर तो और भी खस्ता हालत है, अगर दिल्ली में भी ले लें तो कानून में सिर्फ एक पेरेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैनेजिंग कमेटी में होता है स्कूल के, और वो भी सब जानते हैं कि कौन पपट होता है स्कूल का। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं 50% पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मैनेजिंग कमेटी के अंदर। तो एक पावर जो, क्योंकि सब आप कहते हैं कि हम नो प्रॉफिट करते हैं, और कभी कानून के अंदर है भी कि कमर्शलाइजेशन नहीं करते, कभी कोई एफिडेविट इन्होंने नहीं फाइल किया कि हम प्रॉफिट कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम कोई पैसा नहीं प्रॉफिट कर रहे। जब तुम फिलंथ्रॉफिक कर रहे हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर 50% मेंबर जो हैं वो पेरेंट्स के हों? अभी हमारे यहाँ एक ब्रिटिश स्कूल चलता है जिसको 100% पेरेंट चलाते हैं, तो और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 75% कानूनन पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर 50% हमारे पेरेंट्स मैनेजिंग कमेटी के अंदर कानूनी तौर पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी जो नेशनल इंटरनेशनल ये वो बहुत सारी समस्याओं को वो एड्रेस कर सकते हैं। अभी तो वो स्कूल से बाहर हैं और स्कूल के गेट में भी घुसने नहीं देते हैं, और कई बार घुस जाए तो प्रिंसिपल जो है 2-2, 3-3 घंटे उसको बाहर जो है बैठा के रखती है, और उसके बाद एक स्क्रीन में हाँ ठीक है देख लेंगे। तो मुझे लगता है वो जो कंट्रोल है ना, पावर पावर को पेरेंट्स को लेने की जरूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइटली माइक उधर दें। हाँ साहब, एक सेकंड सर सर, एक सेकंड। अभी अग्रवाल जी ने बहुत सही है बात की, मैं उसको करता हूँ। मैनेजमेंट कमेटी का मैं भी बोर्ड मेंबर हूँ, उसमें क्या होता है, बिल्कुल से पेरेंट वो पपेट आ जाते हैं। उनका क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की अलग प्रॉब्लम होगी, प्राइवेट की अलग होगी, कि मेरे बच्चों को एक्सलेंस मिल जाए किसी खास पर्टिकुलर जगह में, दे सो मीन। अभी मैंने अपनी स्पीच में बोली थी, एज ए पेरेंट व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारे अंदर, व्हाट इज योर पर्पज ऑफ योर लाइफ, अनटिल अनलेस यू डिसाइड योर पर्पज ऑफ लाइफ, कि मुझे अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग देनी है। इसके साथ साथ वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी हैव टू बी लॉजिकल टू रेज क्वेश्चन। वो उनको कर देते हैं, उनको कहते हैं ले आओ उसको बिठा दो। टीचर रिप्रेजेंटेटिव भी एक चीज मैं आपको और ऐड करता हूँ, वो भी पपेट ला के डाल देते हैं और उनसे साइन करवा लेते हैं। तो उसमें टीचर रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए और पेरेंट का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए, और ये पता चले कि ये NGO है कि ये प्राइवेट कंपनी है। आप अभी आई एम सो सॉरी, नाम नहीं लेना चाहिए MBT का, अभी तो ऐड भी आता है बड़ा सा कि ओनली NGO, एक केवल कंपनी है वो जो है चला जाए। तो आप देखो क्या कैसे ग्रो कर रहे हैं, आई डोंट नो किसके अंदर ये गट्स होगा उठाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर मेरा क्वेश्चन लीगल एक्सपर्ट जो हमारे टेकरीवाल साहब उनसे हैं, जरा सर टेकरीवाल साहब आपसे ही है, ये जो घटना हुआ है उसमें अभी तक के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं जो जुबिनाइल कहा जा रहा है, ठीक है हम तो जुबिनाइल नहीं मानते, ये एक जानवर है और जानवर की जो डिफिनीशन हमारे कानून में है वो हम लोग देख चुके हैं निर्भया में जो हुआ था, और जो उसमें जितने भी एक्यूज थे उसमें सबसे निर्मम जो कांड था वो जुबिनाइल का था, और देखा हमने 3 साल में वो छूट गया, हमारे कानून में तो यही लॉ है। हमारा फाउंडेशन, हमारा टीम इसके लिए क्या प्लान कर रहा है वो जरा आप बताएं। निर्भया कांड के बाद कानून में एक संशोधन आया है जिसमें एक नए ब्रैकेट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, 16-18 ईयर्स के बीच की बात, यानी कि अगर आपकी मेंटल फैकल्टीज इतनी मैच्योर्ड इनफ है कि आप किसी हीनस क्राइम को कमिट करने के पहले कोई रिमोर्स नहीं है आपके एक्शन में, और आप अगर 16-18 ईयर्स के बीच हैं तो जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है वो एक कमिटी बनाएगी कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, और वो कमेटी उसके मेंटल फैकल्टीज को एग्जामिन करेगी और उसके बाद एक रिकमेंडेशन देगी जिसके आधार पर उस बच्चे का 16-18 ईयर्स होने के बावजूद भी एंड इररेस्पेक्टिव दैट ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी दैट इज 18 ईयर्स ओल्ड, ही विल बी ट्राइड एज एन एडल्ट एंड ही विल बी सब्जेक्टेड टू हार्शेस्ट पनिशमेंट। लेकिन उसमें एक सेक्शन 21 में क्लॉज है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में कि आप उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। अब इस पर मैं एक चीज आपको और एड ऑन कर दूं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब टिल लाइफ है, ये और बात है कि कई तरह के जो प्रेसिडेंस है उसमें 14 इयर्स में कई तरह की चीज़ों को हम कंसिडर करके उसमें पेरोल है, उसमें हॉलीडेज हैं, उसमें रिम्यूनरेशंस हैं, उन चीज़ों को हम कंसिडर करके उसको 14 इयर्स में उसको ख़त्म कर देते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट मान करके। लेकिन जो कानून में व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत 302 में अगर हीनस क्राइम के बाद 16-18 ईयर्स में अगर कोई टीनेजर ट्राइड होता है तो उसको 15 साल की सजा भी हो सकती है, 20 साल की सजा भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना भी हो तो भी, देर इज नो बाइंडिंग ऑन दैट। तो इवन इन दिस आई शुड मेक इट क्लियर कि ही विल नॉट गो स्कॉट फ्री इफ ही इज बीइंग कन्विक्टेड, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द एंड द विजडम ऑफ द जज, ही कुड गिव हिम 20 ईयर्स, ही कुड गिव हिम 25 ईयर्स, ही कुड गिव हिम 15 ईयर्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थैंक यू। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, हम एप्लीकेशन भी लगाएंगे जुवेनाइल बोर्ड में, वी विल असिस्ट द प्रोसिक्यूशन एंड असिस्ट द कोर्ट। नेक्स्ट, सत्येंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं। मैं सवाल अशोक अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ और साथ में सुशील टेकरीवाल जी से। सवाल का संदर्भ है, मैडम ने जो पूछा कि एक परेशान बच्चे की पहचान कौन और कब करेगा ताकि कोई दुर्घटना न हो, अग्रवाल जी ने कहा कि मूलतः जिम्मेदारी अभिभावक की है। मेरा सवाल है कि क्या आप मौजूदा प्रद्युम्न हत्याकांड में रियान प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से ऐसे बच नहीं जाएगा? क्या टीचर की जिम्मेदारी बच्चे की देख रेख करने की नहीं होती? क्या टीचर को गाइड प्लस व फ्रेंड नहीं माना जाता? क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में 40 से बच्चे रखे जा सकते हैं कक्षा में? अगर बच्चे कम होंगे तो टीचर स्वाभाविक रूप से ध्यान दे सकता है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि रियान प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी अभिभावक की है? केवल बेशक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी लेकिन क्या प्रबंधन की नहीं होगी? थैंक यू, क्वेश्चन इज क्लियर। हाँ सत्येंद्र जी, बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूँ, और नॉर्वे मुझे लगता है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको कि जहाँ पे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे केसेस वहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। तो स्कूल की पूरी जिम्मेदारी है, ये कोर्ट्स ने बहुत सारे 1998 में हमने केस किया था जहाँ वो 7 साल का बच्चा पानी पीने के लिए MCD स्कूल से निकला था बाहर और उसको 4-व्हीलर ने हिट करके वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में आया, हाईकोर्ट ने कहा कि जब जितने टाइम भी बच्चा स्कूल में रहता है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और उसमें उस पर कॉस्ट लगाई थी MCD के ऊपर, और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी डांट पड़ी थी। तो बिल्कुल 100%। लेकिन वो दिक्कत आज पता, दिक्कत ये भी हो रही है, मैं आपको बताऊँ, हमारे जो टीचर्स हैं ना वो कौन से कॉलेज से आ रहे हैं, उनको कितनी ट्रेनिंग है,
आप 2,000-2,000 रुपए में टीचर को रख लेते हैं, आप उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो बहुत हार्ड वर्क करेगा और ये करे, सारा सिस्टम बिगड़ गया एक तरीके से। तो बहुत सारी बातें, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, स्कूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बच्चा जो है ना पेरेंट्स से भी ज़्यादा स्कूल के टीचर की बात समझता है, टीचर की बात मानता है। और कई बार स्कूल में घर में आगे बोलता है नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो पापा, जो टीचर ने कहा है वो ठीक है। तो मुझे लगता है आई फुल्ली एग्री विद यू कि स्कूल मैनेजमेंट, लेकिन बट किस क्वालिटी के स्कूल हमारे पास है। थैंक यू सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल, क्या रियान इंटरनेशनल स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में आता है? अगर नहीं तो सरकार क्या उसमें कर सकती है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि CBSE की गाइडलाइंस ऑलरेडी पहले से जारी है। और एक सवाल टिकरीवाल जैसे भी है, खबर अभी आ रही है कि रियान इंटरनेशनल का भाजपा से संबंध है, जैसा कि आपने अभी कहा रात में रिपब्लिक टीवी पर भी आप बोल रहे थे, क्या महज इतना ही रिश्ता होना उसको बचाने के लिए काफ़ी है या इसके पीछे कुछ और भी बात है? टिकरीवाल साहब, नहीं देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो आते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेक्शंस नहीं देता, बहुत सारी कोई डिटेल नहीं देता। मुझे लगता है कि जो बहुत सारी जो गाइडलाइन की जब बात होती है ना, हाँ बहुत सारी, अब जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं आप ले लो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप राइट टू एजुकेशन से ही बाहर हो गए हो। इवन जो गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी एडेड स्कूल हैं उनको भी कह दिया आप राइट टू एजुकेशन से। अब बहुत मतलब इसमें पार्लियामेंट को अमेंड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहिए उन बच्चों को, क्यों भैया उनको मार लेंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे को मारेंगे तो राइट टू एजुकेशन में एक्शन होगा। तो सारा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हमें बहुत गहराई से और बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा। आपको पता है जो सरकारी पैसे से जो स्कूल चलते हैं देश के अंदर, वही कम से कम 35 से 40 तरीके के स्कूल हैं। आप बड़े अफसर हैं तो आपको अच्छा वाला स्कूल मिल जाएगा। थैंक यू सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं प्रद्युम्न के पापा से बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना इस घटना के लिए प्रकट करूँगी, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ बच्चे संसार से जाके संसार को बनाने के लिए आते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। आपने ये जो फाउंडेशन का निर्माण किया है, ठीक है प्रद्युम्न को खो के किया है, मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस सोच से आप आगे बढ़े हैं ये सिर्फ मंचों तक ना रहे, क्योंकि मंचों की संगोष्ठी में बहुत देखती हूँ केवल कुर्सियों पे बैठ के बात की जाती है, लेकिन सत्यता ये है कि आज नेहरू जी के दिवस पे अगर आपने शुरू किया है तो नेहरू जी का नाम आज तक है, तो प्रद्युम्न का नाम भी रहना चाहिए। हमें बहुत दुख होता है कि केवल बातों से कुछ नहीं होगा। दूसरा, मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि मैं स्कूल पेरेंट्स सभी को मिलती रहती हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो माता पिता हैं बच्चों के, वो बहुत ही कई इतने गुणवान होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, विवेकशील होते हैं, लेकिन अभी किसी ने कहा कि सच में एक प्रिंसिपल बनने के बाद वो चाहे महिला हो या पुरुष, वो उस माता पिता को बाहर की बेंच पे ऐसे बिठा देते हैं जैसे कोई उस स्कूल का भिखारी हो। बहुत दुख होता है इस बात का कि माता पिता को सत्यता में पूर्ण सम्मान मिलना चाहिए, और गुरु को भी, मैं ये कहती हूँ टीचर को भी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि प्रिंसिपल का दरवाज़ा जो बाहर का पियन बंद करता है उसके अंदर वो केवल चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मीटिंग चल रही है। बड़े दुख की बात है, इस बात को उठाया जाए। धन्यवाद। मैंने भी यही महसूस किया है कि जिस जो विश्वास आज तक स्कूलों पर हमारा भी था, वो विश्वास कहीं ना कहीं आहत हुआ है इस घटना के बाद। हमें भी लगता था कि हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ है और 7 घंटे उसकी तरफ पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा ही हमें मिलेगा। और यही विश्वास शायद उस बच्चे को भी अपने स्कूल के हर टीचर हर स्टूडेंट्स पे था, लेकिन उसके साथ भी विश्वासघात हुआ। हमने जो बच्चे के प्रद्युम्न का जो घटना थी उसके बाद हमने यही डिसाइड किया कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं, हम पहले एक एक पॉइंट करके काम करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि वो जो टीचर स्कूल के अंदर मौजूद है वो भी हर बच्चे को एक माँ बाप के नज़रिए से देखे। मैंने स्टार्टिंग से जब ये घटना हुई थी तो सबसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप आज किस पोजीशन पे बैठे हैं, आप आज कहाँ बैठे हैं, आज आप पुलिस ऑफिसर हैं, आज आप राजनेता हैं, आज आप वकील हैं, आज आप जज हैं,
आज आप अपने आप को उस पोजीशन से हट के एक माँ बाप के नज़रिए से इस केस को देखिए जो घटना हुई है, और एक माँ बाप के नज़रिए से इसके बाद क्या व्यवस्था कायम होनी चाहिए और क्या उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए उसकी तरफ प्रयास कीजिए। और यही प्रयास हमारा हमेशा रहेगा कि हर बच्चे को हर पेरेंट हर टीचर एक अपने बच्चे की नजरिए से देखे और वही सुरक्षा प्रदान करे जो एक पेरेंट प्रदान करता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन और सजेशन। हेलो सर, माय नेम इज संकेत शेखर झा। सर, आई केम लेट सो आई कुडंट अंडरस्टैंड द एंटायर डिस्कोर्स, बट माय क्वेश्चन इज दैट द एजुकेशन इज द रिपल इफेक्ट ऑफ एजुकेशन इज सच दैट कि एक स्टूडेंट अपने ही एक दोस्त का जो है मर्डर कर सकता है, तो क्यों ना हम अपनी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बोझिल है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, तो क्यों ना हम एजुकेशन सिस्टम में वो क्रिएटिविटी लाएं, वो मॉरल और एथिक्स वैल्यू सिखाएं ताकि ये बच्चा इस तरीके की कदम ना उठाए। तो प्रद्युमन फाउंडेशन की विजन में मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐड हों, अगर ये ऐड हुआ है तो किस तरीके से इसको समझाया जाए। धन्यवाद। देखिए, मेरा ये मानना है कि मॉरल साइंस की एजुकेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वॉट वी आर लैकिंग इज वी आर टीचिंग रॉकेट साइंस बट वी आर नॉट टीचिंग मॉरल साइंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू टेक द स्टूडेंट्स टू आवर रूटेडनेस, टू आवर हिस्ट्री, टू आवर एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड ऑफकोर्स यस, द मोमेंट वी स्टार्ट टीचिंग मॉरल साइंस अलॉन्ग विथ रॉकेट साइंस, पॉसिबली दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कुड बी अवर्टेड। दिस इज माई पर्सनल व्यू। इसमें एक पॉइंट में और ऐड कर दूं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मैंने भी मास्टर्स किया है जामिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आप देखोगे, अगर सीरियसली जाकर अपने पिछले क्लासेस को ऑब्जर्व करोगे, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, तो आप पाओगे हर एक सिलेबस को किस इंटेलेक्चुअल लोगों ने, बड़े समझदार लोगों ने, ऐसा माना जाता है उन लोगों ने मिलकर डिजाइन किया। तो वो सिलेबस एग्जीक्यूट किया जाता है क्लास में कि अकबर महान क्यों था, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, राइट कि एक राजा हरिश्चंद्र था जो अपने सपने में सब कुछ दे दिया, फिर दूसरे राजा आए कि 100-100, 10-10, 8-8, 4 लोग लूट लेते थे, 100-200 कुंतल सोने उठा ला देते, एक दूसरे घरों को उजाड़ देते थे, फिर जब राजतंत्र खत्म हुआ तो डेमोक्रेसी आई, फिर इसमें भी अब नॉर्मलिटी आई। तो आप अगर आप देखोगे कि जो सिलेबस है, सिलेबस में थे वो व्यवस्थाएं कि आपको वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन मिले, पर उसका एग्जीक्यूशन उतना पावरफुल नहीं था। अगर वो जो आपको पोएट्री पढ़ाई जाती है, जो आपको प्रोज पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जाती है, क्या था? सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, उसको एक वैल्यू ओरिएंटेड था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि पेरेंट ने भी गद्दारी की। आई एम सो सॉरी, पेरेंट ने भी गद्दारी की है कि मुझे मार्क्स चाहिए। और जब एनुअल रिपोर्ट होता है मैनेजमेंट कमेटी में, कुछ चूंकि मैं खुद भी उसका मेंबर हूं, वो प्रिंसिपल दिखा रहे होते हैं कि देखिए 98% 99% कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ। मैं तो एलीट स्कूल की बात कर रहा हूं, गरीब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में तो कुछ होता भी नहीं है। तो जो स्कूल के ओनर हैं वो भी मार्क्स मांग रहे हैं, एक बताने के, देखो वी आर द पोजीशन होल्डर इन दिस सोसाइटी, दिल्ली में और ये हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे लोग सर्वे भी कराते रहते हैं, नंबर वन कौन हुआ स्पोर्ट्स में, कौन हुआ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में, कौन हुआ एकेडमिक में, कौन हुआ, कभी कोई ये नहीं सर्वे कराता कि सेटिस्फेक्शन में, इंप्रूवमेंट में कौन नंबर वन हुआ, इसमें दोनों कराते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए वो ये उसमें है। थैंक यू सर। एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, राज्य ने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब मेरे बच्चे के स्कूल में घटना हुई, दो बच्चों के बीच एक बच्चे ने बॉटल फेंक कर, मेरे बेटे के क्लास की घटना है, दूसरे को मारा और उसके करीब 15-20 टीचर्स आए, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया खुद, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 3 महीने पुरानी बात है, 2.5 महीने पुरानी। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि वी शुड हैव अ पेरेंट टीचर एसोसिएशन इन माई सन्स स्कूल, जो नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बड़ी जानकर हैरान हुई होगी आपको कि एक भी पेरेंट्स ने मेरे इनिशिएटिव को एंडोर्स नहीं किया, और आज तक वो एसोसिएशन नहीं बन पाया, और कोई तैयार ही नहीं हुआ कि वहाँ पर एक एसोसिएशन हो। तो कहीं ना कहीं एक जो सेल्फ इनिशिएटिव और सेल्फ स्टार्टअप है लाइफ का, वो सबसे पहले हम से शुरू होता है, मैं से शुरू होता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अगर खुद नहीं इनिशिएट करूँगा तो मैं प्रीच कर सकता हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सर। लेस प्रीचिंग एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू सर।
अब हम समय काफ़ी हो चुका है, प्रद्युमन की माँ हमारे साथ हैं सुषमा ठाकुर जी, उनके मन में एक जिज्ञासा है, अपनी बात कही थी तो मैं क्या जिज्ञासा है जानना चाहते हैं। सर मैं वकील साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर जैसे इन्होंने CBSE में बहुत सारे वो उनका वो बना के दिया था, तो मैं चाहूँगी कि जब ये केस लड़े तो इस चीज़ को ये उठाए कि जिस तरीके से हमसे इतनी सारी फीस ली जाती है, तो क्यों ना बच्चों का महीने में या दो महीने में हर बच्चों का काउंसलिंग करवाया जाए, क्योंकि ताकि ये समझ में आ सके कि कौन बच्चा किस टाइप का है। क्योंकि अभी जैसे प्रद्युम्न के केस में हुआ था, प्रद्युम्न छोटा सा था, उसको बड़े बच्चे ने जैसे उसको बोला आने के लिए और उसके साथ किया, वो बच्चा तो समझा कि स्कूल के भैया बुला रहा है और वो जा रहा है, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं पता था कि वो भैया क्यों बुला रहा है और उस भैया के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर काउंसलिंग हो तो एटलीस्ट बच्चे का जो मेंटली क्या चल रहा है वो टीचर्स तो समझ सकती हैं और फिर उसको जिस हिसाब से ट्रीट किया जाए वो कर सकती हैं। दूसरी चीज़ सर, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बच्चों को मेडिटेशन का भी मतलब वीक में या ऐसे क्लासेस होना चाहिए, ये चीज़ आप उठाएं ताकि बच्चों में जो आजकल ये इतना उग्र ये बच्चे हो गए हैं, कम से कम वो थोड़ा शांत रहें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप इस चीज़ ये केस लड़े तो इस चीज़ को आप थोड़ा उठाएं। टकरीवाल साहब, एडवोकेट श्री सुशील टकरीवाल साहब। ये वाकई में बहुत गंभीर बात है और उग्रता, आक्रामकता और जो एक एग्रेसिव बिहेवियर है टीनेज में, उसके कई कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट रोज़ रोज़ सामने आ रहे हैं। मोर पर्टिकुलरली आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये चीज़ें सर्कुलेट भी हो रही हैं उसी वाइल्ड तरीके से। तो निश्चित रूप से सुषमा जी का जो सुझाव है वो बड़ा परिपक्व है और कहीं ना कहीं आज के सिंपोजियम का जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं इस सुझाव और इस सलाह के इर्द गिर्द घूमता है। और निश्चित रूप से अशोक अग्रवाल जी से भी अभी मेरी इस सुझाव के वक्त ही बात हो रही थी और उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिसिएट किया कि ये जो सुझाव आया है निश्चित रूप से इस पर इसको इसके निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम होगा और जो भी बीड़ा होगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हमारे मंचासीन जितने हमारे विद्वत जन हैं मैं उनको सादर नमस्कार करता हूं। मैं पिछले दो महीने से प्रद्युम्न की खबर को बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। सिर्फ टेलीविज़न से मैं हूं इसलिए नहीं वॉच करता हूं, एक सरोकार से भी वॉच करता रहा हूं। लेकिन जो मैंने देखा है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि समाज के लिए वो सरोकार है, मीडिया के लिए प्रद्युम्न खबर है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ आए हुए सभागार में जो लोग हैं मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूँ। मंचासीन में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया और उस सुझाव को हम कितना ले पाएंगे, उसको कितना अमली जामा पहना पाएंगे ये तो दूर की बात है। लेकिन ये एक ठाकुर जी के और उनके टीम की ये कोशिश है कि ये यहाँ तक बात पहुँची है। अकेला चला था 99 मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया, तो इस कारवा में हम कितना सपोर्ट कर पाएंगे उनको, ये पहला सवाल है। सवाल ये है कि इसमें जो करना होगा वो समाज को करना होगा, शासन एस्टेब्लिशमेंट स्कूल मैनेजमेंट हमें आपको कुछ नहीं देने वाला है। उनका जो कारोबार है, उनका जो बिजनेस है, वो अपना फोकस है, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, न सरकार से मिलने वाला है, न शासन से मिलने वाला है, न स्कूल से मिलने वाला है। प्रद्युम्न फाउंडेशन का जो एक ट्विटर अकाउंट था, ट्विटर पेज था, क्या इमीडिएट हम जितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्या उस अकाउंट से जुड़ सकते हैं? क्या हम इमीडिएट कल से जो भी चीज़ें किसी स्कूल में घटना होती है, कोई भी स्कूल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है, तो क्या वो सोशल मीडिया के पेज पे आ सकता है? तो मैं सोचता हूँ कि अगर प्रद्युम्न के इस पहल पे, इसमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि उन गांव के बच्चे जिसका कोई रहनुमा नहीं है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, अगर ये प्रद्युम्न फाउंडेशन गांव के छोटे छोटे जगह में जहां मशरूम ग्रोथ हो गया है छोटे छोटे स्कूल का और ज़बरदस्त शोषण है, वहां कोई मीडिया नहीं है,
तो मुझे लगता है कि आज नेहरू दिवस के अवसर पर, चाइल्ड डे के अवसर पर एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी जब हम सब से प्रद्युम्न फाउंडेशन जुड़े और इस पहल को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। आगे आपका प्रश्न पैनल से है, श्री विनोद मिश्रा जी। धन्यवाद। मुझे पैनल की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर अरुण ठाकुर इस पहल में आगे नहीं बढ़ते तो शायद प्रद्युम्न के मामले में कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि मुझे उनके इस पहल को सपोर्ट करना है। ये सपोर्ट के लिए हम लोग करेंगे, समाज करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आज सुशील टेकरीवाल, बीरबल, जो भी लोग आए हैं, सिर्फ उनके पहल से आगे बढ़े हैं, तो उनकी पहल में समाज को जुड़ना चाहिए, उसकी मजबूती दे। मुझे पैनल से बहुत अपेक्षा नहीं है इस बात की, मुझे अपेक्षा है अपने समाज से, अपने लोगों से, जो इस चीज को आगे बढ़ाएं। कल कोई किसी बच्चे को लीगल एड की जरूरत है, कल किसी पेरेंट्स को लीगल की जरूरत है, तो प्रद्युम्न फाउंडेशन को कह सकता है। ये प्रद्युम्न फाउंडेशन एक आवाज बने इन सारे बच्चों को, एक विक्टिम फैमिली का, तो मुझे लगता है कि उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और मैं इसलिए ठाकुर जी को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। मैं वरुण जी से ही आवाज लेता हूँ। क्या किसी बच्चे के प्रति अन्याय हुआ, किसी लीगल एड की जरूरत है, क्या प्रद्युम्न फाउंडेशन आगे आएगा? वरुण जी, यही मंशा लेके हमने ये फाउंडेशन का की शुरुआत की है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट के अभाव में और मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई लीगल समझ नहीं होती है। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो प्रद्युम्न के केस में भी मुझे भी ये समझ नहीं थी कि मैं इस मामले को कहां तक और कैसे लेके चलूं, आगे ड्राइव करूं। वो जो टेकरीवाल जी हैं या जो लोग जुड़े इस मामले से, बीरबल जी हैं, आप लोग हैं, जब आप लोगों का सबका सुझाव आया तभी मेरा मार्गदर्शन हुआ कि हम कैसे इस मामले में आगे बढ़ें। और आज जो ये प्रद्युम्न वाली घटना यहाँ तक पहुँची है, इस सकारात्मक मुकाम तक पहुँची है, वो सिर्फ आप सभी के सहयोग से है। और यही हम चाहेंगे कि हम एक बैनर के तले हर बुद्धिजीवी वर्ग, हर तरह का वर्ग, पूरा समाज इकट्ठा हो और जो योगदान कर सके हम आज के बाद किसी भी विक्टिम फैमिली को, वो करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं पुनः आप सभी से विनीत आग्रह करूंगा कि आप अपनी भावना, अपने विचार, अपने सुझाव समाज में आगे करने के लिए, हर बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे आए और अपने विचार, अपने सुझाव जो है प्रद्युम्न फाउंडेशन .org पर आप जाए, प्रद्युम्न foundation.org पर आप जाए और वहां पर अपने विचार रखें। हमारा ईमेल आईडी है pradyumnfoundation@gmail.com। एक लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है। सर, मेरे बच्चों को जो हरेसमेंट स्कूल की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या मेरे को लीगली मदद प्रद्युम्न फाउंडेशन से मिल पाएगी? हाँ, वरुण जी ने अपने तुरंत कहा है को मिलेगा। आप अपने पूरा एड्रेस पता और अपने विचार जो है वो आप हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। जी, थैंक यू। इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, और उसके लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म मिला है प्रद्युम्न फाउंडेशन, तो हम सब इससे जुड़ें और इसमें जो भी मदद हो सके, या कोई हमारा सुझाव हो मेल आईडी के जरिए या कैसे भी, हम जुड़ें। और मैं दूसरा वरुण जी के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई को सब लोगों के साथ जुड़ करके और एक सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए कि कभी और किसी बच्चे के साथ इस तरीके की अनहोनी ना हो, इस तरीके की घटना हो, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही हौसले का इन्होंने जो है परिचय दिया है। धन्यवाद।